नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय पुस्तकों एवं उसके लेखक के बारे में। ठीक है, देखिए पुस्तक और इसके लेखक क्या है। एग्ज़ाम में पुस्तक और लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पुस्तक चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो या फिर विदेश की पुस्तकें हो, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य है। कौटिल्य जो है, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, वो अर्थशास्त्र के लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक है, वो प्रशासन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है तो प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र प्रशासन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, फिर अष्टाध्यायी क्या है पाणिनी ने लिखा था। पाणिनी ने अष्टाध्यायी को लिखा था। पाणिनी अष्टाध्यायी के लेखक है। जो पाणिनी है वो अष्टाध्यायी के लेखक है। फिर क्या है, ये इंडिका जो है, इंडिका की बात करते हैं। इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था ये। ठीक है, मेगास्थनीज दहेज में सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। ठीक है, तो मेघदूतम, कुमार संभवन, ये कालिदास का, जितने मेघदूतम है, कुमार संभवन है, वो कालिदास के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनी, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, मेघदूतम, कुमार संभवम के लेखक कालिदास। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बम का दर्शन क्या है। बम का दर्शन है भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन के लेखक कौन है, भगवती चरण बुमराह। ठीक है, बोहरा है, बुमराह नहीं है, बोहरा है, बोहरा। ठीक है, बम का दर्शन है तो बम है तो बोहरा तो होगा ही, लेकिन भगवती चरण बोहरा है, दर्शन नहीं है, भगवती का चरण देखना है। ठीक है, भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन करना है तो भगवती के चरण में चले जाना है। बम का दर्शन से पहले भगवती के चरण में जाओ। ठीक है, तो बम के दर्शन से पहले भगवती के चरण में जाओ, तो भगवती के चरण में क्या है, बोहरा है, बोहरा है, तो भगवती के चरण में बोहरा है। चलिए अभिज्ञान शकुंतलम, जितने भी शकुंतलम है, भवम है, मेघदूतम है, जिसमें लम है मतलब मोह हलंत है, वो सब कालिदास है। कालिदास जो है वो हलंत वाले सबका लेखक है, चाहे वो मेघदूतम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सबके लेखक कालिदास हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर है भारत का जो शेक्सपियर है वो है कालिदास। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा, राक्षस क्या होगा, विशाख होगा, राक्षस होगा, उसमें विष होगा, तो विशाखा दत्त याद रखो। ठीक है, हाफ ए लाइफ के हैं V.S. नायपाल। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है, V.S. नायपाल। हाफ ए लाइफ के लेखक V.S. नायपाल। तो नायपाल जो है हाफ ऑफ लाइफ का, नाई होगा वो क्या करता है, व्यक्ति के बाल को हाफ कर देता है। जो नाई होता है व्यक्ति के बाल को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, हाफ कर देता है। तो हाफ ए लाइफ के हैं V.S. नायपाल। तो नायपाल जो है, नायपाल वो हाफ ए लाइफ का है, जीवन का आधा। हाफ ए लाइफ, लाइफ क्या है, आधा है नायपाल का। चलिए कामसूत्र वात्सायन, तो वात्सायन में कामसूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए राजतरंगिणी क्या है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन है। कलहन को राजतरंगिणी के लेखक बोला जाता है। कामसूत्र वात्सायन, राजतरंगिणी, कलहन, ये सब इजी क्वेश्चन है। जैसे हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ का बताएं, नायपाल है। फिर हमने क्या देखा, बम का दर्शन है तो भगवती चरण बोहरा है। और भी क्या देखा, यहाँ तक इजी मतलब हार्ड क्वेश्चन सब भी देखेंगे इसमें। चलिए हर्षचरित और कादंबरी, वानभट्ट जो है हर्षचरित और कादंबरी के लेखक हैं। क्या लेखक हैं इसके, हर्षचरित के,
तो वान भट्ट है, वान भट्ट और कादम्बरी जो है, वान भट्ट और का सॉरी हर चरित्र और कादम्बरी, कादम्बरी जो है वो वान भट्ट के लेखक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद जय देव, गीत गाएंगे तो जय होगा आपका, गीत गाएंगे तो जय होगा, गीत गाएंगे तो जय होगा। गीत गोविंद जयदेव है, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के, चौहान के दरबारी थे, ठीक है। तो उस समय जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ था प्रथम में, मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जो ने उनको छोड़ दिया था। तो द्वितीय तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और उसको उनको अफगानिस्तान ले जाया जाता है। वहीं पर चंद्रवरदाई अपने युद्ध कौशल से, अपने ज्ञान कौशल से, चंद्रवरदाई के आँख नहीं होता लेकिन उसको कविता बोलने का कला होता है और वह इस तरीके से गायन कला करता है कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को, गौरी को तीर से मार डालता है, ठीक है। तो ये कथन है उस समय का, अलग अलग विवाद है इस कथन को लेकर, अलग अलग विवाद है, ठीक है। स्पीड पोस्ट क्या है, तो स्पीड पोस्ट शोभा डे का है। स्पीड जो होगा वो शोभा होगा, जो स्पीड होगा वो शोभा डे होगा। स्पीड जो होता है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। स्पीड 5G का स्पीड बढ़ रहा है, 4G का स्पीड बढ़ रहा है, तो स्पीड डे है शोभा डे। स्पीड पोस्ट शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे, शोभा डे, शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे। आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, ये जी है, ठीक है। काव्य मीमांसा है राजशेखर का, काव्य मीमांसा अगर पूछा जाए तो राजशेखर का, काव्य मीमांसा राजशेखर, जो मीमांसा है वो राजशेखर का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, ठीक है, राजशेखर का है काव्य मीमांसा। चलिए बाबरनामा, तो बाबर का होगा, गुलबदन बेगम ने लिखा था, सॉरी गुलबदन बेगम तो हुमायूं, हाँ चलिए देखेंगे, गुलबदन बेगम तो नहीं था, गुलबदन बेगम तो हुमायूं नामा लिखा था, बाबर नामा तो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे, तो बाबर नामा तो अबुल फजल लिखे थे, लेकिन बाबर नामा जो है ना उनके जीते जी शायद बाबर, बाबर के लेख लिखा गया था बाबर नामा, अबुल फजल तो अबुल फजल नहीं, अकबर नामा अबुल फजल है, बाबर नामा जो है वह आपको बाबर, हाँ बाबर नामा तो स्वयं लिखे थे, उसको पूरा कराया गया था और के द्वारा, ठीक है। अकबर नामा लिखा था अबुल फजल ने, जैसे आईने अकबरी अकबर वाला जो होगा वो अबुल फजल होगा, और से अकबर और से अबुल फजल, तो अबुल फजल होगा वो अकबर, ठीक है। अबुल फजल जो होगा वो आईने अकबरी होगा, अकबर नामा होगा, लेकिन हुमायूं नामा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम बहन था शायद, हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम था, तो वही लिखी थी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। चलिए मिलिंद पन्हो नागसेन, मिलिंद पन्हो, जो मिलिंद होगा वो पन्हो होगा वो नागसेन से होगा, मिलेगा कौन, नाग होगा, सेना से मिलेगा, नागसेन मिलिंद पन्हो। चलिए आगे देखते हैं, अश्व घोष क्या है, अश्व घोष कौन थे, बुध चरित का, बुध जो है बुध के पास घोड़ा था तो घोड़ा अश्व था, ठीक है, बुध राजा थे उनके पास घोड़ा था, तो अश्व घोष बुध चरित के लेखक हैं। पाथेर पांचली जो है विभूषण बंधोपाध्याय, पाथेर जो है भूषण है, पाथेर भूषण है, तो भूसा का पाथेर लगा हुआ है, भूसा जो है वो उसका पाथेर लगा हुआ है, भूषण पांचाली, सॉरी पाथेर पांचाली भूषण, ठीक है भूषण। चलिए मालगुडी डेज गाइड आर के नारायण, मालगुडी डेज गाइड आर के नारायण, मालगुडी डेज गाइड आर के नारायण, आर के नारायण जो नारायण है वो मालगुडी गुडी डेज गाइड है, मालगुडी डेज और गाइड का नारायण है। चलिए विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, जो विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास, विनय उसमें ज़्यादा था, ठीक है।
भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक विद्यापति कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को ही आधुनिक विद्यापति कहा जाता है। आधुनिक विद्यापति शायद, हाँ आधुनिक विद्यापति है। चलिए, भारत भारती साकेत क्या है? मैथिली शरण गुप्त। यामा क्या है महादेवी वर्मा। यामा के जो लेखक है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, महादेवी वर्मा झांसी की रानी लिखी थी महादेवी वर्मा। ठीक है, झांसी की रानी की लेखक है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा यामा से महादेवी याद रखो। भारत भारती कौन है? मैथिली शरण है, भारत है और भारती है। तो भारत में कौन है? मैथिली है। भारत भारती कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। भारत और भारती कब मिलेगा? जब शरण गुप्त होगा, जब चरण में होगा। भारत भारती कब मिलेगा? जब एक दूसरे का पैर छुएगा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यामा महादेवी वर्मा वंदे मातर बकिम चंद चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा किसको कहा जाता है? तो धर्मवीर भारती को। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। भारत भारती पूछा जाए तो भारत भारती पूछे तो आपको देना है क्या? तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मिलेगा कब? जब मैथिली शरण गुप्त होगा, शरण आएगा तब। ठीक है, सूर्य का सातवां घोड़ा जो है वो धर्मवीर है। जो घोड़ा की बात आए, सूर्य क्या है? धर्म है। सूर्य क्या है? धर्म पे आधारित एक हिंदू धर्म का है देवता। तो सूर्य क्या है? धर्म। जब सूर्य का सातवां घोड़ा बोलेगा तो धर्म है वो। सूर्य का जो सात घोड़ा है जो चल रहे होते सूर्य जी, उसी पर लिखा गया बुक है। तो वो कौन करेगा? जो धर्म का वीर होगा, धर्म का संरक्षण होगा। तो धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर, धर्मेंद्र नहीं बोल देना, धर्मवीर। ठीक है, यंग इंडिया के जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष है। अरविंद घोष को लाइफ डिवाइन कहते हैं। लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष है। तो लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष है। अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो गांधी जो है वो यंग इंडिया है, लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष है। और डिवाइन लाइफ बोला गया तो शिवानंद। लाइफ डिवाइन, देखिए लाइफ डिवाइन बोलेगा तो अरविंद घोष, उसके उल्टा कर दीजिए डिवाइन लाइफ बोलेगा तो शिवानंद। एक है अरविंद है, एक शिवानंद। अरविंद और शिवानंद, जितने भी नंद है, चाहे शिवानंद हो अरविंद हो, सब बुक लिखा है। एक है लाइफ जो होगा कैसा हो, पवित्र होना चाहिए और पवित्र लाइफ होना चाहिए। तो जीवन लाइफ अच्छा होना चाहिए अरविंद जी बोले, और बोला जो पवित्र होगा, शुद्ध जो होगा वही लाइफ है, वो शिव जी बोल रहे हैं, शिवानंद बोल रहे हैं कि जो डिवाइन होगा वही लाइफ होगा, जो पवित्र होगा वही लाइफ होगा, तो शिवानंद बोल जी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए भारत एक खोज। तो भारत एक खोज के लेखक तो सबको मालूम है जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत एक खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। चलिए देखते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वह है मेघनाथ देसाई। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई, इंटरनल इंडिया मातृत्व इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया, आपातकाल जो लगाया था सबसे पहले वही लगाए थे, इंदिरा गांधी लगाए थे। तो वही इंटरनल इंडिया, भारत के अंदर की जो इंडिया है इंटरनल इंडिया है। अब मातृत्व मतलब मेरा सच्चाई, कि हमने अंदर में आपातकालीन लगा दिया। इंदिरा गांधी। तमस भीष्म साहनी, जो तमस होगा वो भीष्म। सैया पर लेटे हुए हैं, धूप बरसात को सह रहे हैं, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला हुआ है, गंगा पुत्र हैं वो। तो तमस है, भीष्म है, तापमान को सह सकते हैं भीष्म।
इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद को इंडिया फ्रीडम्स, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया जीतेगा आजाद होगा, इंडिया विंस फ्रीडम। कौन है? अबुल कलाम आजाद। चले इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। थॉमस भीष्म सहनी, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर पूछे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मेघानंद देसाई। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंडिया दो गो है, एगो री इंटरनल इंडिया है, रीडिस्कवरी मतलब दोबारा इंडिया का खोज कौन करेगा? मेघनाथ करेगा, वही दशरथ सॉरी दशानंद के भाई मेघनाथ, वो भारत का दोबारा खोज करेगा कि राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनंद देसाई, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ, उसकी सच्चाई। तमस बोल दिए हैं, तमस भीष्म सहनी का है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद का, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया जीतेगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं, गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। अब गोरा, जो गोरा के जो लेखक हैं गोरा, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गोर उसमें आता ही है, गोर तो गोर है, एगो गोरे होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो गोरे होगा, एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर जो होता है वो अलग चीज़ है, यहाँ पर क्या है गोरा, तो गोरा जो है वो टैगोर में गोर आता है, गोरा, गोरा के लेखक कौन है? टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, ठीक है। अब देखिए सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। गोदान गबन कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद, गोदान तो पता है कि गोदान है मुंशी प्रेमचंद की, गबन भी बोला जाए तो गबन भी प्रेमचंद्र का है, कर्म भूमि भी बोला जाए तो कर्म भूमि भी प्रेमचंद्र का है, तो गोदान गबन कर्म भूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद्र के पुस्तक के नाम है। चलिए आगे देखते हैं, माय एक्सपीरियंस, माय एक्सपेरिमेंट है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, मेरा अनुभव ही सही है, सच्चाई है, मेरे अनुभव की सच्चाई, मेरे अनुभव की सच्चाई या मेरे अनुभव के साथ सच्चाई। देखिए महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक है महात्मा गांधी, यंग इंडिया के लेखक भी महात्मा गांधी, हरिजन सभा के जो जो था एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि हरिजन सभा महात्मा गांधी ने बनाया था। चलिए विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, वो अबुल कलाम थे जो इंडिया विंस फ्रीडम, ये अब्दुल कलाम है, वो अबुल कलाम है इंडिया विंस फ्रीडम, एक इंडिया फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, सॉरी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे ना, हाँ राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, भारत के प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। चलिए विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, एक है अबुल कलाम, वो अबुल कलाम जो थे इंडिया जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। विंग्स ऑफ फायर जो होगा फायर, फायर कौन करेगा, तो अबुल कलाम आजाद, इसी को बोलते हैं मिसाइल मैन, इन्हीं को बोलते हैं मिसाइल मैन, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स मतलब इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड हमेशा रात रात भर तक काम किए और पोखरण से, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति जैसे मिसाइल को राजस्थान से छोड़ा, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद इग्नाइटेड माइंड्स के थे, अच्छे माइंड के थे, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड, उनका दिमाग रात में भी काम करते थे, ठीक है। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमनी जो है वो माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो लेखक हैं वो आर वेंकट रमन हैं। चलिए आगे देखते हैं, हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित, हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित, जो हित कौन करेगा, भगवान करेंगे, नारायण नारायण करेंगे, तो हितोपदेश के जो लेखक हैं
वह नारायण पंडित है। नारायण पंडित जो है वो हितोपदेश के लेखक है। नारायण जो होंगे पंडित होंगे वो हित भी जानेगा और आपको उपदेश भी देगा। हित कौन चाहेगा? चाहेगा आपका नारायण चाहेगा। उपदेश कौन देगा आपको? ज्ञान देगा पंडित देगा। तो हितोपदेश नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। तो बॉय हमेशा बोलता है हम सेठ बनेंगे, सेठ बनेंगे, सेठ बनेंगे, राजा बनेंगे, सूट पहन के विक्रम बनेंगे। तो ए मतलब विक्रम सेठ जो है वो ए सुटेबल बॉय है, अच्छा लड़का है विक्रम सेठ। ठीक है विक्रम सेठ। अब देखिए मालती माधव, मालती माधव भवभूति के लेखक है। भवभूति किसके? मालती माधव के लेखक है। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। ए पेसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। मालती माधव भवभूति, ए पेसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी है। नीरज सी चौधरी ए पेसेज टू इंग्लैंड, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर पूछा जाएगा तो खुशवंत सिंह बोलेंगे। खुशवंत सिंह जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान है। जो खुश होगा वो पाकिस्तान जाएगा। इंग्लैंड है वो नीरज चौधरी है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।